बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में इन दोनों के अलावा अनिल साधु सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शक्ति मलिक हत्याकांड में परिवार की तरफ से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, एससी एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु, अररिया के आरजेडी नेता कालू पासवान समेत 6 लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले में पूर्णिया के केहट थाने में मामला दर्ज किया गया है। रविवार की सुबह आरजेडी के एससी एसटी प्रकोष्ठ के पूर्व सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया। इस मामले में मृतक की पत्नी खुशबू देवी ने रविवार शाम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अनिल कुमार साधु समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने शक्ति मलिक को जान से मारने की धमकी दी थी। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की रविवार सुबह 3 नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त शक्ति मलिक के घर में सिर्फ उनके बच्चे और पत्नी के अलावा ड्राइवर ही था। गोलीबारी कर अपराधी फरार हो गए। जख्मी शक्ति मलिक को बाद में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शक्ति मलिक 2019 में आरजेडी में शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का सचिव बनाया गया था। पिछले दिनों शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रानीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी ने उनसे 50 लाख रुपए मांगे थे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा, और इसमें जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और हम बिहार के प्रदेश सचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। शक्ति ने ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव ने मुलाकात के दौरान उन पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। पिछले दिनों शक्ति मलिक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो तेजस्वी यादव पर पैसे मांगने का आरोप लगाते नजर आए थे। इस वायरल वीडियो में मलिक बता रहे थे कि वो किस तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अनिल कुमार साधु से मिले थे और रानीगंज विधानसभा सीट से चुनाव के लिए टिकट की मांग की गई थी। बिहार चुनाव के बीच शक्ति मलिक हत्याकांड ने आरजेडी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। चुनाव के दौरान हुए इस हत्याकांड से आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी